हेलो एवरीबॉडी, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कूलाम्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने दो लेक्चर्स डिस्कस किए थे। वेरी फर्स्ट लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज में ही साथ में हमने डिस्कस किया था चार्ज डेंसिटी को, और सेकेंड टॉपिक लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आज थर्ड लेक्चर है कूलाम्स लॉ में। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलाम्स लॉ को भी डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम चार्ज को, और एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो चलिए शुरू करते हैं। कूलाम्स लॉ को देखते हैं। कूलाम्स लॉ होता क्या है कि दो पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस हमारे पास हों, Q1 Q2, पॉइंट एंड स्टेशनरी चार्जेस सेपरेशन से आर पर, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस Q1 Q2, और इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एफ है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जानते हैं इसके बारे में, के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस पर। एयर और वैक्यूम के लिए यदि बात करें सीजीएस सिस्टम में, के इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम स्क्वायर। चार्ज की एस आई तो कूलम होती है यूनिट, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम। फाइन, एस आई सिस्टम में के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एयर और वैक्यूम के लिए बात करें तो के होता है 1/4 π ε₀। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 1/4 π k। के क्या था एसआई सिस्टम में, 9 × 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है 8.85 × 10⁻½ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वैल्यूज एटलीस्ट आप याद रखें, के एसआई सिस्टम में 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻½ एसआई सिस्टम में कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वैसे स्टैंडर्ड एग्जाम्स में वैल्यू दी गई होती है, फिर भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल फास्ट करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए इन दोनों वैल्यू को याद रखना चाहिए, हमारी एडवाइस है। मीडियम के लिए यदि बात करें अपन, के जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं अदर देन एयर और वैक्यूम, तो के को रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 π ε से। किसे? 1/4 π ε से। इसमें एप्सिलॉन कहलाता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं। अब रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, वैक्यूम के से कंपेयर करें अपन मीडियम के लिए, तो फिर हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, या के जैसा एक लेटर आपको नजर आ रहा है इसे कप्पा भी कहते हैं। ये होता है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो। एप्सिलॉन आर या के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम भी कहते हैं। पहला तो हो गया रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। शॉर्ट में जनरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको सुनने में आएगा। इसका एक और टेक्निकल नाम है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस विद मीडियम, इसको टेक्निकली कहते हैं SIC, शॉर्ट में स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस। फाइन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? कोई भी मीडियम जिसे हम जनरली डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ द मीडियम, वो कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फेल्योर से पहले, ब्रेकडाउन से पहले सहन कर सकता है, दैट्स ए मेजर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए मीडियम एयर से कंपेयर करें कम होता है ज्यादा होता है? कंपेयर करते हैं तो बेटर रहता है कि रेशियो ले लिया जाए एयर और मीडियम में। एयर के लिए लिख दिया, मीडियम के लिए, एयर के लिए के की वैल्यू 1/4 ε₀, मीडियम के लिए 1/4 π ε। तो ये सारी टर्म कट जाएगी सिवाय एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन के, तो ये तो आने वाला है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो एप्सिलॉन आर होता है या कप्पा, राइट? तो मीडियम में हो गया एयर बाई कप्पा। लेकिन राइट हैंड साइड में आप इस टेबल को देखें, वैक्यूम के लिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए 1.0006 है, तो दोनों की वैल्यू लगभग 1 है। जब हम वैक्यूम और एयर को कंपेयर करते हैं तो इनको स्पेसिफाई करते हैं कि वैक्यूम के लिए 1.40 है, तो एयर के लिए 1.006, अदरवाइज न्यूमेरिकल में एयर की वैल्यू हम 1 ही ले लेते हैं। फाइन, तो एयर और वैक्यूम को छोड़ दें तो बाकी सभी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, राइट?
एक एक्सेप्शन जरूर है प्लाज्मा, जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से भी कम पाई जाती है, राइट। तो प्लाज्मा एक्सेप्शन को यदि हम छोड़ देते हैं, तो किसी भी मीडियम में अगर हम जाते हैं तो 1 से ज़्यादा से हम डिवाइड करेंगे तो फोर्स की वैल्यू एयर के कंपेयर में तो कम ही आने वाली है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, एक्स जैसा एक लेटर है इसे काई कहते हैं, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। आगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एक टॉपिक आएगा अपना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर, इसी में एनसीईआरटी फर्स्ट में ही है वो भी टॉपिक अपना, तो वहां हम देखेंगे मैग्नेटिक काई, एक्स एम आएगा वहां पर, फाइन। ओके, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड होता है बस, एप्सिलॉन आर माइनस वन कप्पा माइनस वन, फाइन। रिलेशन छोटा सा है लेकिन जब नहीं पता होता है तो फिर इसी की इंपॉर्टेंस हो जाती है। जैसे दिल्ली पीएमटी में एक क्वेश्चन आया था कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 81 है, तो इसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी बताइए। अब बात छोटी सी, अगर ये रिलेशन नहीं पता कि इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी और डायलेक्ट्रिक में क्या है तो करेंगे कैसे, फाइन। तो अभी तो फिलहाल ये हो गया 81 माइनस 1, तो वाटर के लिए इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, 30। क्लियर? चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, आउट ऑफ विच टू आर एबल टू प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू न्यूट्रॉन्स, राइट। अब देखिए न्यूट्रॉन में मास होता है, मास होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, राइट, लेकिन चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सेकेंड में नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। हाँ, न्यूक्लियर पार्टिकल है तो न्यूक्लियर फोर्स होता है। थर्ड की बात करें, ग्रेविटेशनल, यस, मास होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना, और वो अट्रैक्टिव होता है और न्यूक्लियर फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, राइट। तो आपका करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं कि दो चार्जेज आपके पास है +1 और +5, है ना, तो रेशियो ऑफ फोर्सेस इनके बीच में कितना लग रहा है, ये पूछा जा रहा है। +1 वाला +5 पर फोर्स लग रहा है, +5 वाला +1 पर, तो इनके फोर्सेस का रेशियो, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स तो एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होता है जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर Q1 Q2 आपके पास दो चार्जेस हैं, फाइन, आर सेपरेशन पर, तो 1 पर 2 वाला फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन ये रिपेल कर रहा है, अभी पॉजिटिवली है इसने। इसी तरीके से 2 पर जो 1 लगा रहा है उसको F21 कह देंगे, वो ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया, राइट। F21 माइनस F12 के है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो रेशियो यदि हम लेंगे तो क्या आने वाला है, 1:1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए चार्ज Q1 एग्जर्ट सम फोर्स ऑन ए सेकेंड चार्ज Q2, इफ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर, द फोर्स ऑफ Q1 एग्जर्टेड ऑन Q2, Q1 Q2 पर मान लीजिए एफ फोर्स लगा रहा है, अब एक थर्ड चार्ज Q3 लिया है अपन, है ना, तो अब Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाएगा, ये Q1 Q2 आर सेपरेशन पर है, 2 पर 1 के द्वारा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, वो ये आपके पास में। अब आप क्या कर रहे हैं, एक थर्ड चार्ज को ले आए Q3 को, लेकिन आप गौर से देखें, आपसे पूछा तो अब भी वही है कि Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो क्या चेंज होने वाला है, नहीं, दैट इज स्टिल देयर, वही होने वाला है, यस और नो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक चार्ज कैपिटल क्यू है, उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया जा रहा है, Q1 Q2, कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं जैसे कि आर, उनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स लगे उसके लिए Q1 Q2 में क्या रिलेशन होना चाहिए, Q1 Q2 के बीच में कूलम्स फोर्स क्या होता है, कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। अब Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q माइनस Q1, क्योंकि Q1 Q2 किसके पार्ट है, क्यू के ना, Q1 प्लस Q2 इज Q, तो Q2 कितना हो गया, Q माइनस Q1, कोई इशू नहीं है, फाइन। अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, Q1 से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, राइट। अब F मैक्सिमम होने के लिए, मैक्सिमम मिनिमा, बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, F और वेरिएबल क्या है, ये चार्जेस जो पार्ट्स किए हैं, तो Q1 यहाँ पर वेरिएबल हो गया आपका, Q1 के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ F की वैल्यू 0 होगी अगर ये मैक्सिमम हो, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, 0 वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, क्लियर।
तो हम इसका डेरिवेटिव लें और उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू वन का क्यू वन के रेस्पेक्ट में वन हो गया, ये हो गया ट्वाइस क्यू वन, जीरो से इक्वेट कर दिया है ना, के बाई आर स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्यू वन की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाई टू, राइट। दो पार्ट जो किए तो अनडाउटली क्यू टू भी कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू ही हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, जब दोनों को बराबर बराबर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर फॉर ए चार्ज इंटरेक्शन इन ए गिवन मीडियम। किसी मीडियम में दो चार्जेज हैं हमारे पास में आर डिस्टेंस पर, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो इनमें जो कूलम फोर्स लगने वाला है क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट इंटू कप्पा इंटू आर स्क्वायर, राइट। ओके, अब इसका मतलब क्या है इक्विवेलेंट डिस्टेंस का, इतना ही फोर्स एयर में लगे उसके लिए इन चार्जेस को कितने डिस्टेंस पर रखा जाए। मान लो वो स्मॉल डी है, थोड़ी देर के लिए ये डिस्टेंस अनडाउटली ज़्यादा होगी है ना, एयर में इतना ही मैग्नीट्यूड के बराबर फोर्स लगे डी डिस्टेंस पर ये, तो दोनों को इक्वेट कर दें अपन, इन दोनों को इक्वेट कर दें तो डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, के आर स्क्वायर, तो डी क्या हो जाएगा रूट के आर, ये रूट के आर इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर कहलाती है मीडियम के बराबर फोर्स लगाने के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस हमारे पास में हैं, फाइन। अब आप देखिए जो मीडियम है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, क्यू वन क्यू टू के बीच का जो सेपरेशन है T1 प्लस T2 के बराबर है। T1 में मीडियम K1 का कप्पा भरा हो गया है डायलेक्ट्रिक, और T2 सेपरेशन में K2 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, फाइन। ओके, तो अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो हमारे पास में क्या था, रूट के आर वाला, तो इस यहाँ इसके लिए अपने डी वन कह दिया फर्स्ट मीडियम के लिए, डी टू तो ये हो गया डी वन प्लस टी टू, तो हम फर्स्ट के लिए कह सकते हैं रूट के वन मल्टीप्लाई बाई टी वन, और सेकंड के लिए रूट के टू इंटू टी टू, क्लियर है, फाइन। तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस के क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर हो गया कॉन्सेप्ट से, ये हमारे पास में हो गया के क्यू वन क्यू टू रूट के वन टी वन प्लस रूट के टू टी टू का होल स्क्वायर। यहाँ के का मतलब वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट से है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। इस बार जो सेपरेशन है उसमें आधे पार्ट में तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भरा हुआ है, आधा है मीटर से द टी, और टोटल सेपरेशन आर है यानी आर माइनस टी में है एयर, फाइन। ओके, तो इस क्वेश्चन को अभी प्रीवियस सिक्स क्वेश्चन के जैसे ही डील करेंगे इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर के कॉन्सेप्ट से। डी क्या था, डी वन प्लस डी टू है ना, रूट के वन टी वन प्लस रूट के टू टी टू, बेसिकली हम इसको के बोल देते हैं, वैसे ये कप्पा कहलाता है, राइट। ओके, अब फर्स्ट देखें तो रूट के मल्टीप्लाई बाई टी, और एयर के लिए के टू की वैल्यू कितनी, वन, और सेपरेशन कितना रह गया है, आर माइनस टी, क्लियर है। तो डी हमारे पास में ऐसा आ गया, इसको लिख सकते हैं आर प्लस टी कॉमन ले लें रूट के माइनस वन, फाइन। अब इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन एयर, अब एयर में फोर्स कितना, उतना ही मीडियम में लगेगा है ना, इक्विवेलेंट जो भी बन जाएगा मीडियम प्लस एयर का कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होता है के क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर है ना, वैल्यू रख दें अपन डी की, और के क्या है यहाँ पर वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दो मेटल स्फीयर हैं जिन पे चार्जेस हैं 10 और माइनस 20 यूनिट्स है ना, जब साइन दिए गए होते हैं तो हम थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं सॉल्व करते समय। इफ बोथ आर टेकन इनटू कांटेक्ट, पहले कांटेक्ट में लेकर आए देन सेपरेटेड अप टू द सेम डिस्टेंस, तो फिर रेशियो ऑफ फोर्सेज इन बोथ पोजिशन हमसे पूछा गया है, राइट। फोर्स शुरू के अंदर
के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। एफ वन कह दिया अपन ने 10 माइनस 20। देखिए आप ऑप्शन में माइनस के भी साइन है तो हम साइन के साथ में ले रहे हैं, है ना। इन जनरल मैग्नीट्यूड लेते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए आप नेगेटिव साइन भी दे रखे हैं, तो इसलिए ऐसा चल रहा है। फाइन, अब दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं और फिर सेपरेट करते हैं, राइट। तो उस केस में टोटल जो चार्ज है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि कैपेसिटी इक्वल होती है। ये हमने मेथड ऑफ चार्जिंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर डिस्कस किया था, कंडक्शन प्रोसेस, तीन प्रोसेस बताए थे, आप रेफर कर सकते हैं, तो उसमें देखा था। फाइन, कॉन्सेप्ट कि कंडक्शन से कैसे चार्ज होता है, जैसे कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो कंडक्शन प्रोसेस होता है, कैपेसिटी इक्वल तो टोटल का आधा आधा, तो क्यू वन डैश क्यू टू डैश कह दिया अपन ने इसको। टोटल कितना हो गया 10 और दूसरा है -20/2, तो ये -10/2 यानी -5। अब दोनों को सेपरेट करेंगे, दोनों पे -5 -5 आ जाएगा, तो अब फोर्स क्या हो जाएगा, F2 कहते हैं -5 -5 आ गया, है ना। रेशियो ले लें दोनों केसेस में, तो आर स्क्वायर और के तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 -20 तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में -5 -5, राइट। तो न्यूमरेटर में है -200 और ये हो गया 25, तो रेशियो कितना आ रहा है -8:1, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका 1, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज क्यू इज गिवन टू ईच ऑफ द टू आइडेंटिकल स्फीयर पी एंड क्यू। पी एंड क्यू दो आइडेंटिकल स्फीयर है, राइट, दोनों को स्मॉल क्यू चार्ज दिया है। फिर कहते हैं ए थर्ड अनचार्ज स्फीयर ऑफ इक्वल साइज यानी कैपेसिटी इक्वल होगी इज टच्ड विद टू स्फीयर वन आफ्टर द अनदर, और फिर उसको हटा देते हैं, राइट। जो क्या था अनचार्ज थर्ड वाला, तो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन कितना हो जाएगा, दोबारा कंडक्शन प्रोसेस होगा इसमें भी, है ना। दो आपके पास वे स्फीयर थे पी एंड क्यू, क्लियर है। फोर्स कितना लग रहा था के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर यानी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इनिशियली ये था जब तक हम थर्ड को नहीं लेकर आ रहे। अब क्या कर रहे हैं, एक थर्ड चार्ज लेके आ रहे हैं, स्फीयर लेके आ रहे हैं जो कि अनचार्ज स्फीयर है बेसिकली, राइट। इसको सबसे पहले पहले वाले से टच करवाएंगे, राइट, ओके। तो इस पर दोनों पे चार्ज क्या होता है, टोटल का आधा आधा, टोटल कितना है 0 प्लस q/2। तो अब फर्स्ट वाले पर जो चार्ज है उसको q1 कह रहे हैं, कितना रह जाएगा q/2, इतना ही आधा अनचार्ज वाले पे गया, बात समझ में आ रही है। फिर क्या कर रहे हैं इसको, अब सेकंड वाले से टच करवा रहे हैं, राइट, सेकंड वाले से टच करवाया है, तो अब ये चार्ज हो चुका है q/2 चार्ज लेकर चलेगा ये, है ना। तो अब ये सेकंड पर जो चार्ज आने वाला है वो टोटल का आधा, अब ये थर्ड वाला q/2 चार्ज लेकर आया, इसके साथ में मिला, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम ये हो गया इसका आधा, ये कितना हो गया 3q/2/2 यानी 3q/4, यानी अब p पर यानी फर्स्ट वाले पर q/2 आ गया और दूसरे पे कितना हो गया 3q/4, क्लियर। तो अब फोर्स क्या लगेगा, न्यू फोर्स के q1 q2/r² कह दिया अपन ने, q/2 और ये 3q/4, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 और नीचे हो जाएगा 8 3/8 k³/r² k³/r² कितना था f, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा 3/8f, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नाइन्थ जैसा ही कुछ क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है ए और बी, एक दूसरे को रिपेल करते हैं 8 × 10⁻⁶ न्यूटन के फोर्स से। अब एक थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी को लेकर आते हैं, ए के साथ टच करते हैं और फिर ए और बी के ठीक बीच में रख देते हैं, तो इस सी पर नेट फोर्स कितना लगेगा। फाइन, इनिशियली ए और बी पर फोर्स क्या था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना था 8 × 10⁻⁶ न्यूटन, क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, सी वाले को लेके आते हैं जो कि था अनचार्ज, अनचार्ज स्फीयर, ए के से टच कराएंगे, ए से टच कराया और फिर सेंटर पर रख देंगे, ये काम हो रहा है ना। तो अब होगा क्या, देखिए ए और सी का टोटल जो चार्ज है वो ए और सी पर इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कंडक्शन प्रोसेस में ऐसा ही होता है ना। क्यू वन और इसको हमने थर्ड कह दिया सी वाले को, क्यू थ्री पर कितना कितना चार्ज आएगा 0 प्लस q/2 यानी q/2, दोनों पर q/2 चार्ज आ गया, राइट।
अब बी को तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है, तो बी पर कोई अंतर नहीं आने वाला है, बी पर चार्ज क्यू के बराबर ही रहेगा। क्लियर है? फाइन। अब हमसे बोला है सी पर कितना होगा, राइट? देखिए ए वाला सी को इधर रिपेल करेगा, ए वाला, राइट, बी की तरफ, और बी वाला इस तरफ रिपेल करेगा। क्लियर है? फाइन। अब जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के। तो देखिए क्यू बाई टू इंटू क्यू, ये ज़्यादा है, यानी बी वाला ज़्यादा हो जाएगा, ए वाला फोर्स कम होगा। क्यों? ये क्यू बाई टू इंटू क्यू बाई टू है और ये क्या है, क्यू इंटू क्यू बाई टू, तो कौन सा ज़्यादा होगा, एफ डी ज़्यादा होगा, राइट? तो हम नेट फोर्स क्या कहेंगे, एफ डी माइनस एफ ए। क्लियर? वैल्यू रख दें एफ बी के क्यू वन क्यू टू बाई, डिस्टेंस कितनी रह गई है, आर बाई टू, सेंटर पर रखा ना इसलिए, और ए वाला कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, के क्यू बाई टू क्यू बाई टू आर बाई टू। क्लियर है? राइट। ओके, ये कितना हो गया, देखिए ये बाई टू है, ये टू स्क्वायर है ना, तो एक टू बचेगा तो ऊपर चला जाएगा, टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये टू टू का स्क्वायर हो गया तो टू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो फोर्स कितना आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसकी वैल्यू तो यही थी, 18 × 10⁻⁶ न्यूटन, यानी अब सी पर भी उतना ही फोर्स एक्ट करने वाला है। क्लियर है? चलिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट केस लेते हैं जबकि क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट है वो जीरो से बड़ा हो। इसका मीनिंग क्या हुआ, या तो दोनों क्यू वन क्यू टू पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, जिससे कि उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी लाइक चार्जेस की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में यू नो कि पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, मान लीजिए एक प्लस का क्यू वन है और दूसरा भी प्लस का ही है, उसको हमने क्यू टू कह दिया है ना, इनके बीच का सेपरेशन आर। ओके, अब पोजीशन वेक्टर यदि हम मेजर करते हैं फर्स्ट का सेकंड से, तो इसको वन का सेकंड के रेस्पेक्ट में इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर पोजीशन वेक्टर हमें सेकंड का चाहिए तो सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, वन से टू, और इसका मतलब क्या है, टू से वन, राइट? ओके, अब क्यू टू क्यू वन को इस और लेफ्ट साइड में रिपेल करेगा, तो हमने इसको एफ वन टू बोलना है, वन पर टू के कारण फोर्स। लाइकवाइज वन वाला टू को रिपेल करेगा, टू पर वन के कारण लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये डायरेक्शन हो गई, राइट? इसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि दोनों आपके नेगेटिव चार्जेस हों, कि हम बात कर रहे हैं लाइक चार्जेस की, राइट? ओके, इनके बीच का सेपरेशन आर है, पोजीशन वेक्टर उसी तरीके से वन का पोजीशन वेक्टर चाहिए टू के रेस्पेक्ट में, तो टू से वन ये मेजर कर लिया, वन टू बोला जाएगा। इसी तरीके से टू का चाहिए तो इसको आर टू वन बोला जाएगा, वन से टू की तरफ, है ना, ये आपका ओरिजिन हो गया एक तरीके से, और टू की तरफ पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, राइट? इस बार क्या होगा, ये दोनों चार्जेस चूंकि लाइक है तो दोबारा से रिपेल करेंगे, ये एफ वन टू और ये लाइकवाइज एफ टू वन हो गया। क्लियर? फाइन। अब एक एक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, एफ वन टू कैलकुलेट करते हैं, राइट? इसका मतलब है फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू, राइट? तो होता क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमने देखा था के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब एफ वन टू का डायरेक्शन देखें, ये डायरेक्शन किस यूनिट वेक्टर की तरफ होगा, किस पोजीशन वेक्टर की तरफ होगा, ये तो इसकी तरफ है, आर वन टू की तरफ है ना, तो इसके डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने आर वन टू कैप। फाइन। ओके, सिमिलरली यदि हमें एफ टू वन चाहिए, उसका मतलब 2 पर 1 के कारण फोर्स, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब F21 की डायरेक्शन देखें, तो ये पोजीशन वेक्टर कौन सा है, R21, तो R21 का यूनिट वेक्टर ले लिया हमने। क्लियर है? ओके, लेकिन अगर अपन देखें R21 और R12 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम R21 जो है कैप डायरेक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस R12 कैप लिख सकते हैं सर। ओके, लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है एक्सेप्ट द माइनस साइन, राइट, वो तो क्या है, एफ वन टू था, तो एफ टू वन किसके बराबर हो गया, माइनस एफ वन टू के। क्लियर है? सेकंड केस लेते हैं जबकि क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट है जीरो से कम हो, इसका मतलब क्या हो गया,
ये तो अनलाइक चार्जेस हो गए, क्यू वन क्यू टू अपोजिट नेचर के होंगे। जब भी चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं तो यू नो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये वाला केस डिस्कस करते हैं कि दो चार्जेस हमारे पास हैं, प्लस क्यू वन और दूसरा अपोजिट साइन, तो क्या हो गया, ये नेगेटिव ले लिया, फाइन। इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है आपका, पोजिशन वैक्टर ड्रॉ करेंगे वन का तो आर वन टू कहलाएगा, राइट। ओके, टू का पोजिशन वैक्टर चाहिए हमको तो आर टू वन कहलाएगा, है ना। जिसका ही पोजिशन वैक्टर चाहिए तो दूसरा चार्ज हम की पोजिशन को ऑरिजिन मान लेते हैं, राइट। ओके, अब ये अट्रैक्शन नेचर होगी तो एफ वन टू, वन पर टू के कारण, टू के कारण टू वाला वन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरीके से टू को वन वाला अट्रैक्ट कर रहा है, लाइक दिस, क्लियर। तो चलिए अब एक और केस ले लेते हैं इसी का ही, अपोजिट नेचर वाले चार्जेस का क्या हो सकता है कि क्यू वन आपका नेगेटिव और क्यू टू पॉजिटिव हो, नहीं तो सिचुएशन ऐसी होगी उस केस में, दोनों के बीच का सेपरेशन पोजिशन वेक्टर चेक करिए वन का टू के रेस्पेक्ट में, टू का वन के रेस्पेक्ट में, राइट। और अट्रैक्शन वाले फोर्सेस का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये सब नो है ना, वन को टू वाला अट्रैक्ट कर रहा है और टू को वन वाला अट्रैक्ट कर रहा है, क्लियर। एफ वन टू फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एफ वन टू का डायरेक्शन देखिए, चाहे तो पहला केस या ये सेकेंड वाला केस, इसी का ही, जबकि क्यू वन क्यू टू का प्रोडक्ट लेसर देन जीरो है। एफ वन टू का डायरेक्शन एफ वन टू, तो भाई वो तो आर टू वन की डायरेक्शन है यहाँ, तो पोजिशन वैक्टर आर टू वन ले लिया हमने, क्लियर है। इसी तरीके से एफ टू वन फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, एफ टू वन का डायरेक्शन देखिए भाई, एफ टू वन का डायरेक्शन किस पोजिशन वैक्टर के, वन टू के डायरेक्शन में, ये सो नो है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, आर वन टू है उसका डायरेक्शन आर टू वन के अपोजिट है, देखो जरा, यस डायरेक्शन अपोजिट है इनके, तो यूनिट वेक्टर में ऐसा लिख सकते हैं। तो आर वन टू को हमने ये लिख दिया माइनस आर टू वन, लिख सकते हैं। अब ये एक्सेप्ट द माइनस साइन की बात करें तो वो तो ये है आपका, राइट, एफ वन टू। तो दोनों केसेस में देखा एक ही रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है ना। ओके, पोजिशन वैक्टर के टर्म्स में कूलम्स लॉ देख लेते हैं कि ओरिजिन को भी दिखाएंगे इस केस में। ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पर प्लस क्यू वन है आपका, मान लीजिए ये प्लस क्यू टू, ये ए चार्ज कह दिया, उसका पोजिशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आर वन कह दिया, इसको बी चार्ज कह दिया, इसका पोजिशन वेक्टर आर टू कह दिया, राइट। ओके, क्यू वन क्यू टू के बीच का ये सेपरेशन है। ये टू का यदि हमें पोजिशन वेक्टर चाहिए होता है वन फर्स्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इसको हम आर टू वन कहेंगे, राइट। अच्छा, क्यू वन का पोजिशन वेक्टर देखना होगा टू के रेस्पेक्ट में, तो उसको आर वन टू कहते हैं अपन, तो ये बात क्लियर हो गई। लाइक चार्जेस है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, टू पर वन के कारण, वन पर टू के कारण, राइट। ओके, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें। ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, चेक करो, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए इक्वल टू ओ ए, ये सुन लो है ना। हाँ, तो बी ए जो वेक्टर होगा ओ ए माइनस ओ बी होगा, ओ ए माइनस ए बी, ओ ए माइनस ओ बी, चेक करो यहाँ से क्या बी ए की वैल्यू ऐसा आ रहा है, राइट। वैल्यू रख देते हैं अपन आर के टर्म्स में, बी ए, बी ए तो वो तो कौन सा है, आर वन टू है, चेक करो, यस। और ओ ए, ओ ए ये आर वन है और ओ बी क्या है, आर टू, क्लियर। तो आर वन टू वैक्टर को हम ऐसा लिख सकते हैं आर वन माइनस आर टू वैक्टर, क्लियर है। तो जैसे हमको वन टू निकालना है, फोर्स ऑन क्यू वन ड्यू टू क्यू टू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वन टू का डायरेक्शन देखो जरा, वन टू, ये वन टू है, इसका डायरेक्शन ये वन टू की डायरेक्शन में है, तो इसका यूनिट वैक्टर लिख दिया हमने, क्लियर। और वन टू जो है हमारा पोजिशन वैक्टर वो क्या है भाई, आर वन माइनस आर टू, ये वैल्यू हम यूज करेंगे, है ना। पहले इसको टोटल वेक्टर बना लेते हैं, आर वन टू। टोटल वेक्टर कैसे बनता है, यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया, जब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, है ना, टोटल वेक्टर बनाने के लिए। तो अब ये तो देखिए टोटल वेक्टर बन गया आर वन टू और नीचे हो गया आर क्यूब, राइट। अब ये हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, स्मॉल आर यानी कि ये मैग्नीट्यूड है इन वेक्टर्स का, है ना। तो मैं इस वेक्टर का R12 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो दोनों और हम ऐसे दो बार्स बना देते हैं, है ना, और एक क्यूब लगा दिया।
तो पोजिशन वैक्टर के टर्म्स में फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ये वाली बात? ओके, इसी तरीके से जैसे हमने इसको डील किया है F12 को, F21 को डील करना है यदि हमको, तो अब लिखने का पैटर्न समझ लीजिए। R12 तो 1 2 1 2, राइट? तो 21 करेंगे तो 2 1 या 2 और 1 ऐसा जाना है, राइट? तो डायरेक्टली लिख सकते हैं पर इसको अब R2 F21 यानी 2 1 2 1। पैटर्न को याद रखो डायरेक्टली MCQ के लिए। क्लियर है? फाइन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्स लॉ, NCERT में एक टॉपिक है कि मल्टीपल चार्जेस पे फोर्स, तो उसमें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं, राइट? इसका मतलब क्या है कि आपके दो से ज्यादा चार्जेस होंगे। अब टेस्ट चार्ज यानी जिस पे फोर्स देखेंगे उसको Q0 कह दिया हमने, फाइन। एक चार्ज है Q1, दूसरा Q2, ऐसे हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है Q3, Q4 एक्सेट्रा, राइट? ओके, अब F0 यानी टेस्ट चार्ज पर हम फोर्स देखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू द अदर चार्जेस सबके कारण है। तो हम Q1 वाला कितना अप्लाई कर रहा है, Q2 वाला कितना अप्लाई कर रहा है, इन सबको डील करेंगे। Q1 Q0 को रिपेल करेगा ऐसे, Q2 भी रिपेल करेगा, राइट? ये थर्ड वाले ने रिपेल किया, ये फोर्थ वाले ने रिपेल किया, फाइन। तो जब नेट चार्ज निकालेंगे तो इन सबका वेक्टर सम करना होगा, ये चीज कहलाती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इंडिविजुअल जो फोर्सेज है उनका वेक्टर सम नेट फोर्स सबको देता है। क्लियर? तो इसका स्टेटमेंट क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज उसे कहते हैं जिस पर की फोर्स कैलकुलेट करना, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ कूलम्स फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल अदर चार्जेस, ऑल अदर का मतलब अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट चार्ज। दिस इज नॉन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्स लॉ, फाइन। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस डील कर लेते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस पर वेक्टर फॉर्म पर, कि इफ रेडियस ऑफ सर्कल 1 मीटर, ये 1 मीटर रेडियस का एक सर्कल है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट कूलम फोर्स ऑन द चार्ज ए, मल्टीपल चार्जेस पे फोर्स है ना। NCERT पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि फोर्स कैसे फाइंड करते हैं मल्टीपल चार्जेस की वजह से, राइट? तो चार्ज ए, ये ए चार्ज है ना, बाकी सबकी वजह से इस पर डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, अब देखिए बी वाला ए को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो हमने इसको फिलहाल ऐसा कह दिया है शॉर्ट में FB, बी के कारण फोर्स। अब ये एच वाला इस तरीके से रिपेल करेगा, ठीक बात है। सी की बात करें तो ए को इस तरह रिपेल करेगा क्योंकि लाइक चार्जेस तो रिपेल करते हैं। जी वाला इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, है ना। हर चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज कौन सा है जो ए पर रखा हुआ है उसकी डायरेक्शन जान रहा है, ये FD हो गया, और ये F पोजीशन पर रखे हुए चार्ज की वजह से फोर्स हो गया। अब एक ये रह गया ई वाला, उसकी वजह से ये हो गया, राइट? अब हमें ही चाहिए सबका रिजल्टेंट, है ना। तो देखिए इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, तो अगर मैं ये FF और FD का रिजल्टेंट लूँगा तो बिल्कुल बाइसेक्टर से, है ना, पैलोग्राम फैक्टर एडिशन बाइसेक्टर से निकलेगा, तो D और F का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया, राइट? अब पर्पल कलर से जो दिए हैं हमने FC और FG, इनका रिजल्टेंट निकालें, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड क्यों होगा, कि देखिए KQ2, ये वाला जितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी उतना ही है ना, तो ये फोर्सेस दोनों FG और FC इक्वल होगा, तो बाइसेक्टर से निकलेगा, तो उसका डायरेक्शन ही हो जाएगा सी और जी की वजह से। अब ये ग्रीन वाले रह गए आपके, है ना, बी और एच, तो इसी तरीके से इनका बाइसेक्टर ये हुआ तो बी एच। तो आप देखिए इन सब सारे चार्ज की वजह जो फोर्स लग रहा है अल्टीमेटली डायरेक्शन ही आ गई, हाँ या ना, क्लियर है? तो ये डायरेक्शन कौन सी है, क्या प्लस एक्स एक्सिस है, है ना, यानी आई कैप की डायरेक्शन में होगा, ई से ए की डायरेक्शन में होगा, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते दोबारा से। अभी हमने ए पे फाइंड किया था, अब बी पे फाइंड करना है, तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे अपन, है ना। बी के अलावा जो है जैसे सी वाला इस तरह, ए वाला इस तरफ, है ना, चेक करते रहो डायरेक्शन, डी वाला बी पर इधर लगाएगा, राइट? आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं एक बार पॉज करके, है ना, और फिर इसको चेक करो आंसर को। ई वाले के कारण ये डायरेक्शन, जी वाले के कारण
और फिर फाइनल ईएफ के कारण, राइट। अब रिजल्टेंट चाहिए, तो जो जिन जिन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो दो के जो पेयर्स हैं आपके जी और ई, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो बाइसेक्टर से पास होगा, है ना। ग्रीन वाला जैसे ए और सी है तो इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो पहले नहीं को इसको दिखा दिया चलिए हमने ए सी, फिर जैसे ब्लू वाला देखा था तो ई जी, है ना। पर्पल वाले की बात करें तो ये बाइसेक्टर डी एच होगा, तो अल्टीमेटली सबके डायरेक्शन ही आ गया, हाँ या ना। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है ये तो है आई कैप, ये है जे कैप, ये 45 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर होता है तो इस ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कैसे देते हैं, 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, तो ये डायरेक्शन कहलाएगी, है ना, 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप कहलाएगी, एफ से बी की तरफ वाली डायरेक्शन में होगा, है ना। या तो ऐसा ऑप्शन डिपेंड करता है किस तरीके से, ऐसा हो सकता है एफ बी और आई और जे में है तो इसको ऐसा लिखना होगा, कैसे बताया हमने, 45 डिग्री पर है, 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, है ना। चलो इस पर और प्रैक्टिस करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस बार H वाले चार्ज पर चाहिए, है ना। आप एक बार इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर मैच करना, है ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा। G वाले की वजह से ऐसा, A वाले की वजह से इस तरफ, E की वजह से डायरेक्शन ये होगा, है ना। जिन जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है उनको पेयर्स में ले रहे हैं, ये मेथड है इसमें। C की वजह से ऐसा, B की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन, ये डी रह गया इस बार, तो डी का डायरेक्शन ही हो गया, राइट। अब देखिए जो ग्रीन से हमने रिप्रेजेंट किया है उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो बाइसेक्टर से पास हो गया ए जी, डायरेक्शन आ गई। इसी तरीके से स्काई ब्लू की बात करें, बी और एफ का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो उनका डायरेक्शन ही आ गया। अब पर्पल वाले की बात कर लें, सी और ई, तो ये आ गया, तो अल्टीमेटली ये डायरेक्शन आ गया, है। तो या तो ऑप्शन में ऐसा होगा डी से एच की तरफ, राइट, या ये देंगे तो कैसे देंगे, देखिए ये तो आई कैप कहलाता है, ये माइनस जे है, तो 1/√2 आई कैप माइनस जे कैप, ये डायरेक्शन ऐसा कहलाएगी, आई कैप माइनस जे कैप 1/√2 डी से एच की तरफ, क्लियर। अब और प्रैक्टिस करो, पॉज करो वीडियो को और आप खुद करके बताओ मेरे को कि डी वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर देखेंगे, है ना। तो डी के अलावा जितने भी हैं चार्जेस उनकी वजह से अपन देख लें, चेक करो ये डायरेक्शंस होंगी। अब इसमें हम क्या मेथड ले रहे हैं, जिन जिन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल है उनको पेयर्स में ले रहे हैं, फिर उनका रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग ले रहे हैं, राइट। अब जैसे इसमें एच रह गया तो एच का ये वाला डायरेक्शन हो गया। अब सबसे पहले ग्रीन वालों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये डायरेक्शन आ गया ऐसे ही, फिर स्काई ब्लू वालों का बी एंड एफ, फिर ए और जी, तो अल्टीमेटली ये डायरेक्शन आ गया। तो या तो आंसर होगा इसका एच से डी की तरफ ऑप्शन के अंदर, या आई और जे में आता है तो देखिए हमने क्या बताया आपको, ये प्लस का जे कैप है, ये माइनस का आई कैप है, तो 1/√2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ये कहलाएगा इसको माइनस आई कैप प्लस जे कैप। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, है ना। ओके, अब इसी पैटर्न पर वेक्टर फॉर्म पे ही मल्टीपल चार्जेज फोर्सेस पे जे एडवांस का एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि इस तरीके का एक कॉन्फ़िगरेशन हमको दे रखा है, चार चार्जेज है हमारे पास और ये टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, राइट। हमसे नेट फोर्स पूछा है प्लस क्यू पर, जबकि आपके सारे के सारे पॉजिटिव है, राइट। तो चलिए देखते हैं, अलग से बना लेते हैं इसको। क्यू वन वाला प्लस क्यू को इधर रिपेल करेगा, फिर दोबारा वही पैटर्न लेते हैं जो अभी सिखाया हमने कि जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, कैसे देखते हैं कि चार्जेस का प्रोडक्ट तो इक्वल है ही क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है चार्जेस का, फिर हम सेपरेशन देखते हैं कि ये सेपरेशन इस सेपरेशन के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब F1 और F4 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो डील करना इजी होता है। इसी तरीके से इनको दूसरे कलर से दिखा दिया हमने, 2 और 3 के कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसा होगा, है ना। अब इनका रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग ले लेंगे, जैसे 1 और 4 के कारण ही आ गया और 2 और 3 के कारण ही आ गया, राइट। तो हमसे डायरेक्शन पूछा था इस क्वेश्चन में, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, ये तो प्लस वाई एक्सिस के अलोंग आ गया, ये सर नो, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, प्लस वाई एक्सिस के अलोंग, क्लियर। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इस बार क्या कह रहे हैं कि Q1 Q2 पॉजिटिव हो और Q3 Q4 नेगेटिव हो, तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो, फिर मेरे को बताओ डायरेक्शन क्या होगा एक बार,
फिर क्रॉस चेक करना, अलग से बना लीजिए इसको। अब क्या बोल रहे हैं, Q1 Q2 पॉजिटिव है तो Q1 के कारण डायरेक्शन ये होगा, है ना। लेकिन Q4 आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला इसको रिपल करेगा तो उसका डायरेक्शन ये हो गया। ये मैग्नीट्यूड दो फोर्सेस के इक्वल होंगे तो एक कलर से दिखा दिया। 2 वाला रिपेल करेगा इधर और 3 वाला नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। ये सेपरेशन इक्वल है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इसलिए एक साथ ले लिया पेयर में। ओके, अब इन दोनों का 1 और 4 का रिजल्टेंट बाइसेक्टर से पास हुआ और ये ग्रीन वालों का यानी 2 और 3 का इधर से पास हुआ, तो अल्टीमेटली डायरेक्शन क्या आ गया, प्लस एक्स एक्सिस का लॉन्ग हो गया, है ना, प्लस एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो आंसर प्लस एक्सिस आ गया। क्लियर। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, इस बार Q1 Q4 आपका पॉजिटिव है और Q2 Q3 नेगेटिव है, राइट। तो आप पॉज कीजिए फिर से वीडियो को और खुद से ट्राई करो, दोबारा से अलग से बना लिया हमने, देखते चलो। Q1 पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा इधर वाला डायरेक्शन, Q4 पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल करेगा, Q2 नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, Q3 भी नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, राइट। आप रिजल्टेंट ले रहे हैं जिनका इक्वल है मैग्नीट्यूड। पर्पल वालों की बात करें, बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, बीच में से पास ऑन होगा, 2 और 3 ये होगा। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये सेपरेशन की बात करें छोटा है और कूलम फोर्स हमने देखा था डिस्टेंस सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्टेंस कम है तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो F2 और F3 ज़्यादा है तो F23 ज़्यादा होगा F1 फोर्स से, क्योंकि ये सेपरेशन तो ज़्यादा है ये कम है, हाँ या ना। 2-3 वाला आपका ज़्यादा होगा, ज़्यादा है 1-4 से तो अल्टीमेटली 2-3 ज़्यादा वाले की तरफ होगा, ज़्यादा वाले की डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस वाई एक्सिस। क्लियर है ये वाली बात। चलिए नेक्स्ट पार्ट डील कीजिए, पहले आप खुद से डील कीजिए पॉज करके, तब मास्टरी होती है, कॉन्फिडेंस आता है और खुशी होती है कि हम सीखते चलते हैं तो सही करते हैं, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लर्निंग प्रोसेस है, आप क्रॉस चेक कीजिएगा कि फिर पकड़िए कि आपकी गलती कहाँ पर हुई है, कैसे हुई है, है ना। ओके, इस बार लेके चल रहे हैं Q1 Q3 आपका पॉजिटिव है और Q2 और Q4 क्या है आपका नेगेटिव, राइट, अलग से बना लिया अपन ने। अब Q1 पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, लेकिन Q4 आपका नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा, Q2 है नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, Q3 आपका पॉजिटिव है तो वो रिपेल करेगा। क्लियर है। ओके, अब देखिए पर्पल वाले देखिए, F1 F4 का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बाइसेक्टर से हमने इनका रिजल्टेंट निकाल दिया। इसी तरीके से 2 और 3 का मैग्नीट्यूड इक्वल है आपका तो ये बाइसेक्टर से। अब हमें पता है कि ये सेपरेशन कम है तो ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होंगे कौन, 2 और 3 वाले, तो 2-3 ज़्यादा होगा, है ना, 2-3 ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली डायरेक्शन ज़्यादा वाले की तरफ होती है तो ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ होगी डायरेक्शन। ये सब क्लियर है, तो आंसर क्या होगा, अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसका, कूलम्स लॉ का, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इफ नेट फोर्स ऑन ए चार्ज इज जीरो देन चार्ज इज नॉन टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, कि एक क्यू नॉट चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज कह देंगे और दो बिल्कुल आइडेंटिकल चार्जेस हैं उनके सेंटर पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है तो ये सेपरेशन से इक्वल है, है ना। नेट फोर्स यदि क्यू नॉट पे जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा ये, तो क्यू नॉट पे फोर्स 1 के कारण 2 के कारण मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से, है ना, फर्स्ट चार्ज ये हो गया क्यू नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या डायरेक्शन अपोजिट है, चेक करें, यस, 2 वाला इधर रिपेल कर रहा है, इसको 2 कह दिया हमने तो, और 1 वाला इधर रिपेल कर रहा है। अब आप देख सकते हैं डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स क्यू नॉट पे क्या हो जाएगा, 0, और क्यू नॉट हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आया, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ क्यू नॉट इज इन इक्विलिब्रियम, हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में है, है ना, तो फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस जबकि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, है ना भाई, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल था तब तो बिल्कुल सेंटर में था, क्वेश्चन बनता ही नहीं है, वो तो हमें पता है सेंटर पे होगा।
अब मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, राइट, और क्यू नॉट को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ की ये इक्विलिब्रियम में है, ये बोल दिया, राइट। तो फर्स्ट चार्ज से डिस्टेंस पूछा गया है। अब देखिए क्यू टू वाला इधर रिपेल करेगा और क्यू वन वाला इधर रिपेल करेगा, ओके। ये डिस्टेंस फर्स्ट से एक्स वन है, एक्स वन हमको फाइंड करना है। डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, जबी तो इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। एफ नॉट वन और एफ नॉट टू का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तो रख दें के क्यू वन क्यू नॉट बाई डिस्टेंस एक्स वन स्क्वायर, और ये बचा हुआ क्या हो गया, आर माइनस एक्स वन, ये सब नो, है ना। इनको सॉल्व करें तो आप खुद पॉज करके और करके देखो, देखिए कैसे के क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, फिर दोनों और स्क्वायर रूट लीजिए और एक्स वन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए, देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है ना। आप खुद करके देखेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, पॉज करो वीडियो को और करके देखो, है ना। तो इसी तरीके से डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड चार्ज आपसे पूछा है, लिखने का पैटर्न समझो, फर्स्ट से पूछा है तो फर्स्ट चार्ज ऊपर आ गया है, सेकेंड से पूछेंगे सेकेंड चार्ज ऊपर आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट में दोनों का सम कर रखा है और मल्टीप्लाई किया है दोनों का बीच का सेपरेशन से, है ना। तो ये याद रखो, बहुत काम में आते हैं रिजल्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, राइट। फाइंड डिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम फर्स्ट चार्ज इन बिटवीन द टू चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम, इस बार मैग्नीट्यूड बता दिया है और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है, कुछ इस तरीके से, फर्स्ट 4, दूसरा 9 माइक्रोकूलम और ये जो सेपरेशन है दैट्स 1 सेंटीमीटर, समवेयर इज द टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट, है ना। डायरेक्शन अनडाउटली अपोजिट होगा और हमको एक्स वन पूछा है, अब ये रिजल्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन हमारा जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट चार्ज से पूछा है तो फर्स्ट चार्ज ऊपर आ जाएगा, चलो मैग्नीट्यूड रख देते हैं इसमें 4 और दूसरे का 9 रख दिया है, सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, इसको रूट लेना आसान है, ये 2 हो गया, ये 2 प्लस 3 हो गया, तो अल्टीमेटली इट इज 2 बाई 5 सेंटीमीटर यानी 0.4 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में कितना हो जाएगा 4 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, क्लियर है क्वेश्चन, ओके। अब इक्विलिब्रियम ड्यू टू द अनलाइक चार्जेस की बात करें, अभी हमने 1 और 2 चार्जेस को लाइक ले रखा था, पॉजिटिव है, अनलाइक यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जैसे ये, और बीच में रख दें क्यू नॉट, फिर क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए कि वेदर द क्यू नॉट इक्विलिब्रियम में होगा भी कि नहीं। इक्विलिब्रियम में होने के लिए डायरेक्शन पहले तो अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, ये दो चीजें होती हैं, है ना भाई। तो सबसे पहले देखो क्यू वन वाला इसको इधर रिपेल करेगा अनडाउटली, और क्यू टू वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन भी इधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन ये तो एक ही हो गया, तो कैंसिल करने का सवाल ही नहीं उठता, हाँ या ना। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज इन द टेस्ट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन, दे विल नेवर कैंसिल, तो नेट फोर्स जीरो तो होने से रहा इस पर, तो क्यू नॉट नेवर बी इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनलाइक चार्जेस, क्लियर है वाली बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो इनसाइड में तो नहीं है, क्यू नॉट इज इन इक्विलिब्रियम आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग द अनलाइक चार्जेस, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज। सिचुएशन कुछ ऐसी है, क्यू वन प्लस है, क्यू टू माइनस है आपका, ये लाइन ज्वाइनिंग है दोनों चार्जेस की, सेपरेशन आ रहा है, राइट। When test charge is placed outside the line joining the two unlike charges, direction of the forces opposite direction में हमको मिलता है, तो फिर cancel करने के chances होते हैं, तो इसलिए फिर net charge पर net force zero हो जाता है, वो equilibrium में कहलाता है ना। दो situation इसमें rise होती है, मान लो first वाले का magnitude छोटा है second से, तो third charge जिसको हम टेस्ट चार्ज कर रहे हैं उसका इक्विलिब्रियम हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास पाया जाएगा। छोटा वाला चार्ज का मतलब ये हो गया भाई, चार्ज छोटा कह रहे हो तो प्रोडक्ट तो चार्जेस का कम हो गया, आप डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो डिस्टेंस भी कम होनी चाहिए, जिससे कि रेशियो चार्जेस के प्रोडक्ट और डिस्टेंस के स्क्वायर का इक्वल बना रहे। इसलिए छोटी सी टेक्निक याद रखो कि हमेशा टेस्ट चार्ज का इक्विलिब्रियम छोटे वाले चार्ज के पास पाया जाएगा, तो अगर Q1 का मैग्नीट्यूड कम है तो टेस्ट चार्ज को हम Q1 के पास रखेंगे आउटसाइड, यहाँ रखा हमने,
डायरेक्शन देख लेते हैं, अपोजिट होना चाहिए। फर्स्ट वाला इधर इसे रिपेल करेगा, सेकेंड वाला अट्रैक्ट करेगा, करने दो, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई, तो कैंसिल कर देंगे, तो एक दूसरे को पढ़ सकते हैं, ये सेपरेशन कहलाएगा एक्स वन। अब इक्विलिब्रियम के लिए मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे, वैल्यू रख दें के क्यू वन क्यू नॉट एक्स वन स्क्वायर, और टू का डिस्टेंस कितना हो गया इस बार, आर प्लस एक्स वन हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो, अपने आप पॉज करो वीडियो को, के क्यू नॉट को कैंसिल करके, और देखो एक्स वन ही आ रहा है क्या, रूट क्यू वन रूट क्यू टू माइनस रूट क्यू वन मल्टीप्लाई बाई सेपरेशन आर। इसको भी याद करने का पैटर्न समझ लो कि देखिए जिस चार्ज से डिस्टेंस नापी जा रही है, जिसके पास में रखा गया है, वो चार्ज पहले आ जाएगा, फिर अपोजिट नेचर चार्जेस के केस में यहाँ डिनोमेटर में माइनस करना है बड़े में से छोटे वाले चार्ज, हमेशा बिगर में से छोटे वाले चार्ज, ऐसे याद रख लो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, राइट। ओके, यदि क्यू वन बड़ा है तो फिर इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा, देखिए बड़ा, ये हम क्या बात करें यहाँ पर, प्रोडक्ट और डिस्टेंस के स्क्वायर का रेशियो, प्रोडक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर का रेशियो, ये इक्वल होगा जब भी तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, हाँ या ना। जैसे Q2 है वो ज़्यादा था इस केस में, है ना, तो Q2 और Q0 का प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होनी चाहिए, जब भी ये ज़्यादा ज़्यादा छोटा छोटा, है ना, तो ये रेशियो बराबर होना चाहिए। फाइन, तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, माइनस Q2 के पास मिलेगा, समवेयर यहाँ कह दिया मैंने, है ना। अगर ऐसा है डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, कैसे, Q1 रिपेल करेगा Q0 को, क्यों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मान के चलते हैं, नहीं दे रखा है जब तक, और सेकेंड वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, अब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इसका, तो इक्विलिब्रियम पाया जाएगा। अब लिखने का तरीका बता दिया, अब सेकेंड से नाप रहे हैं आप, या तो खुद करके देख लो इसको एक बार पॉज करके, है ना, कि एक्स टू लिखोगे तो यहाँ क्यू टू आ जाएगा ऊपर, और हमेशा बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, बड़ा इस बार क्या है क्यू वन, राइट। फाइन, ओके, नेक्स्ट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द टेस्ट चार्ज फ्रॉम फर्स्ट चार्ज ड्यू टू द टू चार्जेस 9 माइक्रोकुलम एंड माइनस 100 माइक्रोकुलम, है ना, इस बार इनकी वैल्यूज बता दी गई है, सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर, सिचुएशन कुछ ऐसी है आपके पास में, फर्स्ट वाला 9 माइक्रोकुलम है, दूसरा वाला माइनस 100 है, राइट। अब देखिए दोनों में मैग्नीट्यूड किसका छोटा है, 9 वाले का, तो अनडाउटली टेस्ट चार्ज को छोटे वाले के पास रखा जाएगा, राइट। फर्स्ट वाला रिपेल कर रहा है, सेकंड वाला अट्रैक्ट कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, ये एक्स वन। अब एक्स वन फाइंड करने का तरीका बताया था हमने, जिससे नाप रहे हैं उसको पहले लिख लेंगे, एक्स वन तो रूट क्यू वन ऊपर आ जाएगा, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, बड़ा सेकेंड वाला चार्ज है, बस उनमें वैल्यू रख दो, आराम से स्क्वायर रूट ले लो, 3/7 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 0.43 सेंटीमीटर या 4.3 mm, क्लियर। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, आपसे कहें सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात पूछी जा रही है, कि सिस्टम हो इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब कहलाता है जब सिस्टम के ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो। सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं वन बाय वन एक एक को टेस्ट चार्ज मानते चलेंगे, बाकी की वजह से उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, देन ओनली सिस्टम इज नॉन टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसको समझते हैं क्वेश्चंस, सिचुएशन कुछ ऐसी है, दो चार्जेस का सेटअप ले रहे हैं, ये क्यू नॉट, अब यहाँ पर बोला जा रहा है सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, तो फिर क्यू नॉट की वैल्यू बताओ। इसका मतलब ये हो गया सिस्टम में तीन चार्जेज हैं, नॉट ओनली ऑन क्यू नॉट नेट फोर्स जीरो, क्यू वन क्यू टू की वजह से क्यू नॉट, क्यू वन पर क्यू नॉट और क्यू टू के कारण भी नेट फोर्स जीरो, क्यू टू पर क्यू नॉट और क्यू वन के कारण नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो फिर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाता है। फाइन, ओके, इसके लिए हम अब क्यू नॉट पर नहीं टेस्ट करते क्योंकि ये तो कम करके देखा था पहले हमने कुछ क्वेश्चंस में, तो Q1 Q2 में से Q1 ले लिया अपन ने, Q1 पर 2 के कारण रिपल्सिव फोर्स लगेगा और Q0 भी ऐसा लगेगा जब अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो, राइट, ओके। अब Q1 इक्विलिब्रियम में है तो ये नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, हाँ या ना,
वैल्यू रख देते हैं, चेक करो। और हमने ये देखा था फोर्स सभी पे जीरो होना चाहिए, क्यू नॉट पे भी जीरो, तो उसके लिए एक्स वन की वैल्यू ये होनी चाहिए। हाँ या ना? अब ये एक्स वन की वैल्यू यहाँ रखिए और सॉल्व करके अपने आप देखो पहुंच करके एक बार, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा क्या ऐसा आ रहा है। क्यू वन माइनस क्यू वन क्यू टू रूट क्यू वन प्लस रूट क्यू टू का स्क्वायर, है ना? एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, क्यू वन क्यू टू फोर नाइन रख दी वैल्यू, ये 36 हो गया, ये 2 और 3 हो गया, ये 25। तो हमारे पास Q नॉट की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 1.44 माइक्रोकूलम। यदि इन 4 माइक्रोकूलम 9 माइक्रोकूलम के बीच में अगर हम माइनस का 1.44 माइक्रोकूलम रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा, नॉट ओनली क्यू नॉट, क्यू वन पर भी नेट फोर जीरो, क्यू टू पर भी नेट फोर जीरो होगा, ये मीनिंग है इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इफ सिस्टम ऑफ चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें हमने दो से ज्यादा पे बढ़ रहे हैं, एक ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर कैपिटल क्यू चार्जेस हैं और इसके सेंट्रोइड पर क्यू नॉट चार्ज है, हर साइड ए है, तो नॉट ओनली ऑन क्यू नॉट, क्यू नॉट पे तो होगा ही होगा, इस पर भी नेट फोर जीरो होना चाहिए, इस पर भी, तो अपन बाहर से किसी चार्ज पर ले लेते हैं, है ना, इस पर ले लिया। देखिए कैपिटल क्यू इस क्यूब को रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, इसी तरीके से ये भी करेगा, राइट। अब ये सेंटर वाला रह गया, ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है भाई, ए बाई रूट थ्री, है ना, तो ये ऐसा हो गया आपका। अच्छा अब ये ग्रीन से जो दिखाए, देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट बाइसेक्टर से पास होना है, और ये 60 डिग्री है तो रूट थ्री टाइम्स हो जाएगा, फाइन। ओके, अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि चार्ज पे जब भी तो फोर जीरो होगा, तो जीरो करते हैं इसको, राइट, और इसको अब सॉल्व करते हैं, के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये तो कॉमन ले सकते हैं, रूट थ्री क्यू क्यू नॉट, चेक करो, रूट थ्री का स्क्वायर ऊपर गया, थ्री हो गया आपका, के क्यू बाई ए स्क्वायर का डिवाइड कर दिया जीरो में तो जीरो आ गया, तो थ्री क्यू नॉट माइनस रूट थ्री क्यू पे, क्यू नॉट की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन में, तो थ्री का डिवाइड करेंगे तो नीचे रूट थ्री बन जाएगा, क्लियर हुआ? तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा यदि इतना चार्ज यहाँ रख देंगे अपन सेंट्रोइड, फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इफ सिस्टम ऑफ चार्ज इन इक्विलिब्रियम। स्क्वायर ले लिया, उसके हर कॉर्नर पर कैपिटल क्यू चार्ज है आपका, और सेंटर पर रखा है क्यू नॉट चार्ज, और हर साइड स्क्वायर का ए है, राइट, तो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इन ए सिस्टम जीरो होता है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाता है। सेंटर पर तो वैसे ही जीरो होता है, पता है हमको, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, है ना, इसलिए हम कॉर्नर पर किसी चार्ज को ले लेते हैं, किसी एक को ले लेंगे सब आइडेंटिकल है मान सकते हैं, फिर दूसरे पे भी वैसा ही होगा, तो इसको ले लेते हैं। देखिए ये वाला चार्ज इसको इतने फोर्स से रिपेल करेगा और कैपिटल क्यू इतने ही फोर्स से रिपेल करेगा, सेंटर पे रखा है वो इसको के क्यू क्यू नॉट और ये सेपरेशन, ये टोटल कितना, रूट टू ए, रूट टू ए में का हाफ करेंगे, टू का डिवाइड करते ए बाई रूट टू का स्क्वायर, राइट, ये चार्ज और रह गया आपका, तो इसकी वजह से के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये रूट टू होता है सेपरेशन इतना। अब ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इनका रिजल्टेंट भी बाई सेक्टर से पास होगा, रूट टू टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है कि नहीं। अब इसमें नेट फोर जीरो करने के लिए इनका सम कितना होना चाहिए, जीरो, जीरो कर दें, सॉल्व करें इसको, के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लें अपन, तो यहाँ तो रूट टू क्यू बच गया, यहाँ क्यू नॉट डिवाइड में वन बाई रूट टू का स्क्वायर, यहाँ क्यू डिवाइड में रूट टू का स्क्वायर, है ना, थोड़ा और सॉल्व कर लें, ये रूट टू का स्क्वायर ऊपर जाएगा टू बन गया, और ये रूट टू का स्क्वायर टू बन गया, के क्यू बाई ए स्क्वायर का जीरो में डिवाइड कर देते हैं तो जीरो हो जाएगा, ये तो हमें क्यू नॉट की वैल्यू चाहिए, तो बाकी कैपिटल क्यू की टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ओके, अब 1 बाई टू को कॉमन, यहाँ से q बाई टू को कॉमन ले रहे हैं अपन, q बाई टू को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ एक बार मान लो 2 बाई टू है, 2 बाई टू, तो ऊपर 2 रह जाएगा, 2 रूट टू, और यहाँ पर
ये, तो अल्टीमेटली क्यू नॉट की वैल्यू इतनी आ जाएगी, यस और नो, क्लियर है? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर डिस्कशन करते हैं। तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सिंपल सा टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम बेसिकली नेट फोर्स, तो देखिए इक्विलिब्रियम वर्ड आते हैं जीरो होना चाहिए। स्टेबल का मतलब जो पोजीशन उसका है उसको हम मेन पोजीशन कह देंगे, अगर वहां से उसको डिस्प्लेस करें तो पार्टिकल दोबारा वहां आ जाना चाहिए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और नहीं आ पाता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब आप डिस्प्लेस करें, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उतनी होनी चाहिए जितनी पहले थी, ठीक है, तो फिर वो कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन चीज़ों को क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, है ना, तो फिर ज़्यादा क्लियर होगा। अभी चार्जेस का सेटअप हमारे पास है, ये सब देख चुके अपन, इक्विलिब्रियम भी है ये भी पता है हमको। अब हमको पता करना है कि स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, क्यू नॉट का, राइट। इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस करना होगा। आ जाता है वापस मेन पोजीशन पे तो स्टेबल, नहीं आता है अनस्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल रहती है, नहीं आता है तो न्यूट्रल। लेट एस चार्ज क्यू नॉट स्लाइटली डिस्प्लेस लेफ्ट वर्ड अलॉन्ग द एक्सिस, लेफ्ट राइट किधर भी कर सकते हैं, एक्सियल पोजीशन पे चेक करना है तो चलिए लेफ्ट डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर लेते हैं। ये थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया लेफ्ट डायरेक्शन में हमने, फाइन, ओके। ये आर, आर सेपरेशन था, एक्स से डिस्प्लेस कर दिया, आर माइनस हो गया आर प्लस एक्स, ओके। डायरेक्शन तो ऑफ कोर्स अनडाउटली अपोजिट ही होगी, रिपेल करेंगे फोर्सेस, है ना, ओके। अब ये मेन पोजीशन थी इसकी, है ना। देखिए एफ जीरो वन की वैल्यू क्या ये है, के क्यू नॉट आर माइनस एक्स, और एफ नॉट टू की वैल्यू क्या ये है। अब आप देखिए कौन सा बड़ा है इसमें, क्या एफ नॉट वन बड़ा है, यस, ये सेपरेशन कम हो गया तो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो नेट फोर्स बड़े वाले की डायरेक्शन की तरफ होती है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट विल पास थ्रू द मेन पोजीशन, हाँ या ना, यस, ये वाला नेट फोर्स की वजह से इसको दोबारा इस मेन पोजीशन से लेके जाएगा। जैसे ही ये यहां से पास ऑन होगा, राइट, जैसे राइट की तरफ जाएगा तो होगा क्या, इधर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वो इसको दोबारा इधर लेके जाएगा, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट विल अगेन राइट टू लेफ्ट थ्रू द मेन पोजीशन, हाँ या ना, कुछ ऐसा। और पार्टिकल देखिए टू एंड फ्रो मोशन, अगर x डिस्प्लेसमेंट कम है तो ऐसे चम कह देंगे इसको, बार बार मेन पोजीशन से पास ऑन होगा तो q नॉट क्या कहलाएगा हमारा, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल है, अपनी पोजीशन पर रहना चाहता है, यस और नो, तो इसलिए टेस्ट चार्ज हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, क्लियर है वाली बात, ओके। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हमने माइनस q नॉट ले लिया है इस, और इसका टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम देखिए, फर्स्ट वाला अट्रैक्ट कर रहा है, सेकंड वाला इधर अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, इक्विलिब्रियम में तो है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा, स्टेबल अनस्टेबल, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, तो देते हैं इसको एक्सियल डिस्प्लेसमेंट स्लाइटली लेफ्ट वर्ड, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया लेफ्ट की तरफ। अभी भी फर्स्ट वाला अट्रैक्ट कर रहा है, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड, है ना, ये माइनस में आपका ध्यान दीजिएगा, है ना, इसलिए वही होगा डायरेक्शंस तो, ओके। अब मैग्नीट्यूड देख लें, सेकेंड की वजह से मैग्नीट्यूड देख लें, कौन सा ज्यादा है भाई, जीरो वन वाला ज्यादा है, जीरो वन वाला ज्यादा है तो ये मीन पोजीशन की तरफ नहीं आने देगा, नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन लगना है, हाँ या ना, इस क्यू नॉट को इधर ही लेके जाएगा, मेन पोजीशन की तरफ नहीं ले जाने देगा, तो इसका मतलब क्यू नॉट इक्विलिब्रियम में तो था लेकिन अनस्टेबल था, तो टेस्ट चार्ज क्या कहलाएगा, क्योंकि मेन पोजीशन से नहीं पास हो रहा इसलिए टेस्ट चार्ज इज नॉन टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस बार इक्वेटोरियल डिस्प्लेस करके देखेंगे क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी स्टेबल है या अनस्टेबल है, राइट,
सिचुएशन ऐसा है। माइनस क्यू नॉट चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन की तरफ, ये कर दिया। अब देखिए ये फर्स्ट वाला तो अट्रैक्ट करेगा, सेकंड वाला भी अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना? इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे अनडाउटली, सेपरेशन इक्वल है ना? ओके, तो इनका रिजल्टेंट है इनके बाइसेक्टर से पास होगा, यस और नो? नेट फोर्स माइनस क्यू नॉट पर देखिए मीन पोजिशन की तरफ आ रहा है, बाइसेक्टर मीन पोजिशन से पास होना हो रहा है, पहली वाली पोजिशन से पास हो रहा है। तो जैसे ब्लो द एक्सिस पहुंचेगा, देखिए अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण, ये काइनेटिक एनर्जी के कारण आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, यहाँ रुकेगा नहीं, ओके फाइन। तो जैसे ही नीचे की तरफ पहुंचेगा ये अपोजिट हो जाएगा केस, जैसे नीचे आएगा तो ये इधर अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो इनका रिजल्टेंट दोबारा मेन पोजिशन की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि टेस्ट चार्ज अगेन अगेन पासिंग थ्रू द मेन पोजिशन, पहले नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा कुछ ऐसा, हाँ या ना? बार बार मेन पोजिशन से पास होना हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे केस में हमारा टेस्ट चार्ज किस में कहलाता है बताइए? इट इज नॉन टोबेन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो माइनस क्यू नॉट चार्ज हमारा क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। क्लियर है वाली बात? एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू नॉट फॉर इक्वेटोरियल डिस्प्लेसमेंट। इस बार पॉजिटिव ले रहा है क्यू नॉट को, बिल्कुल सेंटर पर रखा है, इक्विलिब्रियम में तो है, नेट फोर्स तो जीरो है इस पर। अब इक्विटोरियल डिस्प्लेस करके देखेंगे, अलग से बना लेते हैं इसको, इक्विटोरियली हमने ऐसा परपेंडिकुलर डिस्प्लेस कर दिया। तो इस बार ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल होगा, सेकंड वाला चार्ज भी रिपेल करेगा, तो इनका रिजल्टेंट लेंगे वो तो बाइसेक्टर से अभी फ्रॉम द मेन पोजिशन हो गई डायरेक्शन, हाँ या ना? क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? टेस्ट चार्ज तो वापस आएगा नहीं, ये तो दूर लेके जाएगा इसको मेन पोजिशन की तरफ, नहीं लेकर आएगा। इसका मतलब चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में तो था, लेकिन कैसा था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, यस और नो? क्लियर है क्या? अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, अर्नशॉ थ्योरम। जब अभी हम बात कर रहे थे कि पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए इक्विटोरियल पोजिशन पर परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो केवल कूलम फोर्सेस को ही डील कर रहे थे, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में बताया था, सेकंड लेक्चर में बताया था कि अगर कोई चार्ज है तो मास भी होता है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, राइट? तो अभी हम जो डील कर रहे थे कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ले रहे थे, यस और नो? तो आंसर क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडर एक्शन ऑफ कूलम फोर्स अलोन कैन नेवर बी स्टेबल। स्टेबल नहीं होगा भाई, उस पर दूसरे फोर्सेस भी लगते हैं, वो उसको डिस्टर्ब करेंगे। बस समझ में आ रही है? हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड और मेथड ऑफ चार्जिंग 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। सेकंड लेक्चर हमने लिया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड और इसमें चार्ज डेंसिटी को डिस्कस किया, जो कि गॉसियस लॉ और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे काम में आता है। आज हमने थर्ड डिस्कस किया, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस 1.6, 1.7, एनसीईआरटी के ये दो टॉपिक मान के चलो, ये लिए हमने। अब नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।